हेलो फ्रेंड्स, मैं एचपी हर्षित और आप देख रहे हैं एचपी। तो कैसे हैं वो लोग? तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, आप टाइटल देख के समझ ही चुके होंगे कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं वैगनआर सीएनजी 2022। देखिए गाइस, ये पीछे अपनी वैगनआर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने खरीदी है। तो अभी इसे 2-3 दिन ही हुए अभी खरीदे हुए, तो मैं आज इसका रिव्यू देने वाला हूँ वैगनआर सीएनजी। उसके साथ साथ हम बताएंगे कि ये वर्थ है नहीं, जो इसका प्राइस है, तो सारे मैं फीचर्स भी दिखाने वाला हूँ, क्या क्या इसमें आता है और कितने की पड़ती है, तो दिखाते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने लिए ये वैगनआर सीएनजी, तो 2022 मॉडल है और देख सकते हैं आप बिल्कुल ब्रांड न्यू है। तो अभी नंबर भी नहीं आया अपनी कार का, तो मैं बता देता हूँ उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले बाहर से बातचीत करते हैं। बाहर की प्रोफाइल कुछ इस तरह है, तो देख सकते हैं काफी ज्यादा ह्यूज और बल्की लगती है, इसकी बॉडी इस तरह बनाई गई है। और आपको बता दे तो मैं ये LXi मॉडल है सीएनजी में। अब दो वेरिएंट आते हैं, LXi VXi, पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही आता था LXi, अब दो आने लगे, तो अपना ये LXi है। और इस वीडियो में आपको ये भी पता लग जाएगा कि LXi और VXi में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस दिए गए हैं दोनों कार में। तो आगे से लुक देख सकते हैं आप, LXi VXi दोनों सेम लगने वाले हैं आगे से, तो बिल्कुल। और देख सकते हैं फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम साइड मिरर में, साइड मिरर इसके दिए गए हैं ब्लैक कलर के, तो ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक एडजस्टेबल नहीं है। तो जो आप VXi लोगे उसमें इस पर ये जो बॉडी कलर है वो आ जाएगा, तो बस उसमें इतना डिफरेंस है। और बाकी डोर हैंडल देख सकते हो, डोर हैंडल भी इसमें ब्लैक आते हैं, और जो अपना इससे टॉप वेरिएंट है तो उसमें वाइट कलर के आ जाएंगे, बॉडी कलर आ जाएगा उस पर। तो इस तरह का लुक है। और देख सकते हैं आप पीछे से प्रोफाइल, पीछे की भी प्रोफाइल मतलब दोनों की सेम है, LXi और VXi। और मैं आपको टायर साइज वगैरह दिखा देता हूँ। तो ये रहे इसके टायर, तो देखिए टायर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 155/80R13, तो 13 इंचेस के इसमें टायर दिए गए हैं। और जो इसकी VXi आती है उसमें दिए गए हैं 14 इंचेस, तो 13 इंचेस हैं, तो काफी सही लग रहे हैं। और इसके साथ ये जो व्हील कैप होता है तो ये नहीं आता इसके साथ, ये एसेसरीज का ही पार्ट है, ये अलग से लगवाया है। और बाकी देख सकते हैं ये एंटीना दिया गया है बिल्कुल ओल्ड स्कूल टाइप का, तो इस साइड की भी सेम यही प्रोफाइल है, तो यहाँ पे भी ये सब चीज दी गई है। तो अंदर से दिखाता हूँ मैं कार को आपको, अंदर क्या क्या दिया गया है LXi में। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। की में भी इसकी नॉर्मल की आती है, सेंटर लॉक नहीं है। अगर आप VXi लोगे तो उसमें सेंटर लॉक भी आ जाता है, इसमें हमें अलग से लगवाना होता है। तो देखते हैं अंदर से, चलिए। तो अंदर से इस तरह का लुक है, पहले दिखाता हूँ मैं आपको इसका स्पीडोमीटर वगैरह। तो देखिए इस तरह का इसका मीटर है, तो यहाँ पे स्पीड देखने को मिल सकती है आपको, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पेट्रोल है और इधर है सीएनजी, और टाइम भी मिल जाएगा इसमें देखने के लिए, और रेंज आती है, और बाकी और कुछ नहीं आता, ये साइंस वगैरह आते हैं। और सीएनजी टू पेट्रोल और पेट्रोल टू सीएनजी चेंज करने का यहाँ पे एक ही बटन दिया गया है, यहाँ पे एक बार प्रेस करते ही आप चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे कार हमारी स्टार्ट पेट्रोल में होती है, ऑटोमेटिक फिर सीएनजी में आ जाती है। अगर आपको पेट्रोल में ही चलानी है तो एक बार आपको बटन दबाना होगा, एकदम पेट्रोल में आप दोबारा से सीएनजी से पेट्रोल में आ जाओगे। और देख सकते हैं आप एसी वेंट दिए गए हैं, तो एसी वेंट दिए गए हैं इसमें चार, एक यहाँ पे दिया गया है, एक यहाँ पे जिसकी काफी अच्छी कूलिंग है, और दो अपने इस साइड मिल जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे कुछ भी म्यूजिक प्लेयर इसमें नहीं मिलता है, LXi में, VXi में मिलता है। और बाकी देख सकते हैं ये सारा एसी कंट्रोल हो गया अपना, और ये हो गया अपना गियर, और ये हो गया अपना हैंड ब्रेक। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरे कार के फीचर, और यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आप मोबाइल चार्ज करने के लिए लगा सकते हैं। और देख सकते हैं आपको पहले जो पुराना मॉडल आता था वैगनआर का, तो यहाँ पे भी बॉक्स मिलता था, अब यहाँ पे बॉक्स नहीं मिलता। तो इस कार में दो एयर बैग है, एक एयर बैग तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, एक मिल जाएगा यहाँ पे स्टेयरिंग के बिल्कुल बीचों बीच, तो मतलब सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है पूरा। और साइड में विंडो पे आ जाते हैं, तो विंडो पे ये भी आपको ब्लैक कलर में मिलेगा खोलने के लिए लॉक सिस्टम। और इसमें आपको मैं बता देता हूँ, इसमें पावर विंडो सिर्फ और सिर्फ आगे की मिलने वाली है, पावर विंडो है आगे की दोनों, और पीछे मिलने वाला है मैनुअल। और बाकी स्पेस आप देख सकते हैं, अभी मैंने थोड़ी सीट पीछे करी हुई है, तो मैं नॉर्मल इस साइज पे बैठता हूँ, तो काफी कंफर्टेबल है। देख सकते हैं आप लेग रूम भी कितना ज्यादा है, और हेड रूम तो आपको पता ही है वैगनआर हेड रूम के लिए इतनी फेमस है। देख सकते हैं आप कितना ज्यादा हेड रूम है, मेरी हाइट 6 फीट है, और फिर भी देख सकते हैं मेरे से भी कितनी ज्यादा ऊपर है इसकी रूफ। को डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए यहाँ पे काफी स्पेस मिल जाएगा, इनफ स्पेस है, इतना नॉर्मली होना भी चाहिए। आप देख सकते हैं, मैं खाली करके दिखा देता हूँ। और साइड में आपको मिल जाएंगे बॉटल होल्डर, और एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा ग्लास होल्डर, और यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं,
सामान वगैरह एक स्पेस आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसका तो यूज नहीं रहने का, यहाँ पे तो पूरा म्यूजिक सिस्टम वगैरह लग जाएगा। और यहाँ पे भी मिल जाएगा एक बोतल होल्डर, और यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़ा वगैरह रख सकते हैं आप कार साफ करने के लिए, तो उसके लिए भी काफी स्पेस दी गई है यहाँ पे। तो गाइस अब चलते हैं पीछे, तो पीछे का दिखाता हूँ मैं इसका सिस्टम। तो चलते हैं पीछे, देखिए पीछे से भी अब मैंने अपनी सीट हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट करी हुई है। तो पीछे का मैं दिखा देता हूँ स्पेस वगैरह कितना मिलने वाला है। तो पीछे देख सकते हैं आप, तो देखिए गाइस मैं बैठ चुका हूँ और मैंने आगे वाली सीट अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। आप समझ सकते हैं मेरी 6 फीट हाइट है, तो देखिए 6 फीट के हिसाब से बहुत अच्छी हाइट मैंने एडजस्ट कर रखी है सीट की। और पीछे भी देख सकते हैं लेग रूम भी इतना मिल जाएगा, देखिए सीट कितनी आगे है। रूम की तो बात ही करना बेकार है क्योंकि देख सकते हैं वैगन आ रहा है गाइस, देखो कितना ऊपर है यहाँ से, मतलब देखो मतलब मेरा हाथ के ऊपर एक और हाथ आ जाएगा, तो इतना ज्यादा यहाँ पे हेड रूम मिल जाएगा आपको। सीट भी कंफर्टेबल है, मतलब देखो वैगन आर की थोड़ा सा ये दिक्कत रहती है कि ड्राइविंग सीट और आगे की जो पैसेंजर की सीट रहती है तो वो तो कंफर्टेबल है, पीछे की थोड़ी सी मतलब कंफर्टेबल में थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया, नहीं तो काफी अच्छी है वैसे। मतलब देख सकते हैं ये भी पूरा सॉफ्ट टच रहता है, देख ही सकते हैं आप यहाँ पे, आपको ये मैनुअली मिरर का मिल जाएगा तो यहाँ से आप खोल सकते हैं। और इसमें थोड़ा और मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें पूरा नहीं खुलता, तो ये इतना ही खुलेगा, बस थोड़ी सी ये दिक्कत होने वाली है। आगे जो अपनी दोनों विंडो ऑटोमेटिक है वो पूरी नीचे तक जाती है। और यहाँ पे भी इसी तरह आपको यहाँ पे ये बॉटल होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, साथ में सिलेंडर मिलता है फायर वायर के लिए। तो यहाँ पे इसकी, तो यहाँ पे इसकी स्पेशल जगह आपको ये हुक से दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे लग जाएगी पूरी इसका सिलेंडर। कुछ इस तरह बैठा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब आराम से, पर इसमें अगर 3 भी बैठे ना तो मतलब ज्यादा भीड़ नहीं होने वाली है। देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेस है, 3 बंदे भी कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। वैसे रियल में कार 2 ही जनों की होती है, पर 3 इसमें बहुत ही कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। देखिए मैं पूरा खुल के बैठा हूँ और आराम से यहाँ पे 2 जने बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं। तो अब दिखाते हैं पीछे से, पीछे सीएनजी सिलेंडर के बाद कितना स्पेस बचता है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि स्पीकर वगैरह भी अगर आपको अलग से मॉडिफिकेशन करवाए तो जगह दी गई है 4 विंडो में। तो यहाँ पे एक स्पीकर लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, ऐसी दोनों आगे विंडो में दी गई है। तो आ जाते हैं पीछे, तो दिखाता हूँ मैं आपको इसका बूट स्पेस। तो खोलने के लिए आपको नॉर्मली यहाँ पे एक स्विच मिल जाएगा, तो अनलॉक करके यहाँ से आराम से खोल सकते हो। तो ये देख सकते हो बूट स्पेस, तो मतलब गाइस बूट स्पेस इसका मतलब ऐसा है, जितनी भी सीएनजी कार्स होती है ना, सबसे ज्यादा मैं तो मानता हूँ वैगन आर का बूट स्पेस होता है रेंज की कार्स में। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको सीएनजी सिलेंडर मिल जाएगा और यहीं पे आपको स्टफनी मिल जाएगी, और देख सकते हैं उसके बाद भी ये ट्रे भी मिल जाती है, और ट्रे और सिलेंडर के बीच में स्पेस देख सकते हैं आप कितना ज्यादा है। तो मतलब ये तो अभी थोड़ा ऐसे कर्व है, अगर मैं इसे हटा के दिखाऊं तो बहुत ही ज्यादा स्पेस है। यहाँ पे भी साइड में बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे भी सामान रख सकते हैं। और ये हो गई इसकी सारी टूल किट वगैरह, जैक वगैरह हो गया यहाँ पे। तो ये था पीछे से बूट स्पेस। तो इसमें वैसे एक और जुगाड़ रहता है, यहाँ पे एक इसकी नई ट्रे बनवा सकते हैं, वो यहाँ तक ही आ जाती है, टायर थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो वो सब भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मॉडिफिकेशन वाली वीडियो मिलेगी, जो उसमें मिल जाएगा आपको कि कैसे कैसे हम इसे VXI से भी ऊपर का वेरियंट बना सकते हैं। तो गाइज ये था अपना बूट स्पेस। तो मैं और आपको बता देता हूँ कि ये CNG में आती है 998 cc में, तो 1000 cc ही कहते हैं इसे। और जो पेट्रोल में आता है अपना, पेट्रोल में आती है 1198 cc में, तो ये अपना 1000 cc की कार है। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है। और मैं आपको इसका माइलेज बता देता हूँ, माइलेज इसका कंपनी क्लेम करती है सीएनजी पे 34 किलोमीटर पर kg, और पेट्रोल पे क्लेम करती है 24 किलोमीटर पर लीटर। तो देख सकते हैं गाइस, तो माइलेज तो बहुत ही तगड़ा है वैगन आर का। और गाइस सबसे बड़ी बात है, अगर आप एसी पे भी चलाओगे तो एसी पे सीएनजी जैसे 34 देती है पर केजी, तो आराम से ये 32 का निकाल देती है एवरेज। तो ये कंपनी ही क्लेम करती है 31-32 का, अगर आप फुल एसी चला रहे हो तो एसी पे भी ये इतना एवरेज निकाल देती है, इतना माइलेज निकाल देती है। तो गाइज ये थी अपनी कार वैगन आर 2022 LXi CNG। तो गाइज बताना आपको कि कैसी लगी, आप भी लेना चाहोगे, और मैं इसका आपको प्राइस बता देता हूँ। तो एक्सोरूम प्राइस इसका 6 लाख ऐसा ही है, लगभग 35,000 देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा। और मैं आपको बता देता हूँ ऑन रोड प्राइस इसका पड़ता है 7,45,000 LXi का, और VXi पड़ती है आपकी 8,45,000 की पड़ती है VXi। तो मतलब देख सकते हैं आप डिफरेंस कितना है, 50-55,000 का डिफरेंस है। तो उतने में आप अलग से अगर मॉडिफिकेशन करवाओगे तो उससे भी बहुत ज्यादा तगड़ी बन सकती है। तो गाइज ये था आज की वीडियो में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो इसकी मॉडिफिकेशन वीडियो होने वाली है, इसे एक नंबर बनाने वाले हैं। तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और कमेंट्स में जरूर बताना कि कैसी लगी कार। तो बहुत ही A1 कार है, तो देखते हो। और आप अगर चाहते हो मैं इसका माइलेज टेस्ट भी करके दिखाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।